टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है नई शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना इसका मकसद है। यह नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। आइए अब इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार हुआ था और 1992 में इसे अपडेट किया गया था। मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े कुछ इनपुट्स तैयार किए। जून 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपी। अब आइए नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पक्षों को जानते हैं। 2030 के सतत विकास एजेंडा से यह नीति जुड़ी है। नीति के मुख्य स्तंभ हैं पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इसका मकसद है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के मकसद से अवसंरचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक मोड को अपनाने की बात की गई है। विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाना इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नई व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग भी शामिल है। विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। NCERT 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विकसित करेगा। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को महत्व देने के मद्देनजर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्थापित किया जाएगा। नीति में सभी विद्यार्थियों को ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल एग्जामिनेशन में बैठने का जिक्र है। ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं पहले जैसी रहेंगी। स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना होगी। नीति में गैर लाभान्वित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना की चर्चा की गई है। वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना लक्ष्य है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। IITs और IIMs की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरूज की स्थापना होगी। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं है। कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं।
डिजिटल लर्निंग के मद्देनजर नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF का गठन होगा। पाली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थान या संस्थानों की स्थापना का जिक्र है। नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है। नीति में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द GDP के 6% तक बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।